कुल्लू में दलित समुदाय से संबंध रखने वाले परशुराम की निर्मम पिटाई और उसके बाद पीजीआई में हुई उनकी मौत के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी उग्र हो गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राणा रणजीत सिंह और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार की अगुवाई में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एमसी पार्क ऊना से लेकर डीसी ऑफिस ऊना तक रैली निकाली। वहीं इस मुद्दे को लेकर जिला के सभी ब्लॉक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किए, जहां हरोली में ब्लॉक अध्यक्ष विनोद बिट्टू की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हरोली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर परशुराम के हत्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर दलित विरोधी होने के आरोप जड़ते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा ने सत्ता संभाली है तभी से दलित समुदाय के लोगों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इस वक्त हिमाचल सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, चारों ओर अराजकता फैली हुई है। इस समय चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है, चाहे इंसान है, सभी परेशान है। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे एक दलित भाई और उनके परिवार को बेरहमी से कुल्लू में बाजार में छरे आम बाजार में पीटा गया और इतना उनको मारा, इतना पीटा, इतनी उनकी दुर्दशा की कि वो उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जो वाइफ है वो इस समय पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। आए दिन मर्डर, आए दिन लूटपाट और आए दिन डकैती, चाहे उन्ना देख लो कितने जहां मर्डर हो गए। सो एक दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी गुहार जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम आज सभी कांग्रेसी भाई बहन यहां इकट्ठे हुए हैं। जिला कुल्लू में दलित दंपति से बहुत बुरे तरीके से मारपीट हुई है और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था और इलाज के उपरांत परशुराम की मौत हो गई और उनकी पत्नी युमा देवी को धमकाया जा रहा है कि आप इस मुकदमे को रफा दफा कर दो। और इसी वजह से आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एसडीएम रोली के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रही है कि इस परिवार को न्याय मिले और जो दोषियों को सजा मिले। आप देख सकते हैं कि जयराम सरकार जब से बनी है कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खत्म हो चुका है प्रशासन नाम। आप देखो लगातार जो है जहां गोलीकांड हो रहे हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं, लगातार डकैती हो रही है, लगातार जो है नशा माफिया बढ़ रहा है, वन माफिया बढ़ रहा है और खनन माफिया से स्वान नदी बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल सरकार के जो भाजपा सरकार है इसके रहते हुए सिर्फ प्रदेश में माफिया ही दंडन आया है और माफिया के दंडन आते हुए जो है प्रदेश जो है खोखला हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी ये अत्याचार अब नहीं सहन करेगी और इसकी आवाज़, इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में हम सब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जो है जब तक इसको न्याय नहीं मिलता हम उठा कर रखेंगे। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से राजीव शर्मा।